चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है एलिजाबेथ द्वितीय, लंबे समय तक शासन करने वाली सम्राज्ञी। ये विषय चर्चा में क्यों बना हुआ है, हम सभी को मालूम है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महारानी के निधन के बाद उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स थर्ड नए किंग या सम्राट बन गए हैं। उनके निधन के संबंध में बकिंगम पैलेस ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि रानी का बालमोरल में शांतिपूर्वक निधन हो गया है। वह 70 वर्षों से अधिक समय तक ब्रिटेन की महारानी थी। सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली ब्रिटिश महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय नहीं रही, वो सिर्फ ब्रिटेन की ही नहीं 14 अन्य आज़ाद देशों की महारानी भी थी। ये सभी देश कभी ना कभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे थे। तो चलिए एलिजाबेथ सेकंड के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं कि उनका पूरा जीवन काल कैसा रहा और उसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण और विशेष रहीं। एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 को मेफेयर लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उनका बचपन का नाम एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी था। वह जॉर्ज सिक्स और एलिजाबेथ बोवेस लियोंस की संतान थी। उनका विवाह एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप से हुआ था जिनका पिछले वर्ष ही निधन हो गया था। उनका आवास रॉयल हाउस विंडसर था और जहां वो रहा करती थी। वर्ष 1952 में अपने पिता जॉर्ज सिक्स की मृत्यु के बाद से महारानी ने गद्दी संभाली थी और 7 दशकों तक ब्रिटेन की महारानी वो बनी रही थी। उन्होंने जब ये पद संभाला उस समय विंस्टन चर्चिल देश के प्रधानमंत्री थे। 9 अप्रैल 2021 की बात है कि उनके पति और ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजकुमार फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। विश्व युद्ध के बाद के युग से 21वीं सदी तक ब्रिटेन के लिए निरंतरता और स्थिरता का प्रतिनिधित्व महारानी ने किया था। महारानी ने इसी वर्ष अपने शासनकाल की 70वीं वर्षगांठ भी बनाई थी। अभी हाल ही में अपने शासनकाल के 15वें प्रधानमंत्री ट्रस को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी उन्होंने किया था। वो जिस भूमिका पे काम करती थी वो यूनाइटेड किंगडम के हेड ऑफ स्टेट के रूप में थी, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ब्रिटिश रानी एलिजाबेथ द्वितीय एक संवैधानिक रानी थी। वे यूनाइटेड किंगडम की हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य की प्रमुख थी। अब उनकी जगह लेने वाले चार्ल्स भी इसी तरह प्रतीकात्मक राजा होंगे। वहीं राजशाही होने की वजह से ब्रिटेन के राजा या रानी शाही वंश से ही बनते हैं। आम तौर पर राजा या रानी की सबसे बड़ी संतान ही उनके बाद शाही गद्दी पर बैठती है। ब्रिटेन के नए राजा को अब किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। नए राजा के रूप में उन्हें क्या कहा जाएगा, यही नए राजा चार्ल्स तृतीय का पहला फैसला है। परंपरा के अनुसार वे अपने लिए 4 में से किसी एक नाम को चुन सकते हैं। ये 4 नाम हैं चार्ल्स, फिलिप, आर्थर और जॉर्ज। ब्रिटेन की महारानी के रूप में महारानी या वहाँ अब चयनित होने वाले राजा के कुछ कर्तव्य भी हैं, जिनमें से मुख्य कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्य ये हैं कि प्रधानमंत्री आमतौर पर बकिंगम पैलेस में रानी से मिलते थे, जो भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते थे, ताकि उन्हें सरकारी मामलों के बारे में औपचारिक रूप से जानकारी दी जा सके। ये जो भी बैठकें हुआ करती थी ये गोपनीय रहती थी और इस दौरान क्या कहा गया है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। मुख्यतः वहाँ की महारानी के पास 5 प्रमुख काम थे, जिसमें से सरकार की नियुक्ति, संसद में भाषण, संसद में पारित किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए औपचारिक अनुमोदन यानी हस्ताक्षर, जो भी विदेशी मेहमान आते हैं उनकी मेज़बानी और संवैधानिक प्रमुख की भूमिका, ये प्रमुख महारानी के कर्तव्य थे। इसके साथ ही हमने आज के इस विषय के बारे में सारी मुख्य मुख्य बातें कर ली हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और
हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।